जो दिल्ली से आ रही है, आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का काम करें, ना कि दूसरों को मुश्किल में डालें। तो आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली की जनता का काम करें, ना कि दूसरों पर डालें। दुर्गेश पाठक, दिल्ली की जनता ने वोट देकर उनको एमसीडी में भेजा है। याद रखिएगा, एमसीडी में इस वक्त बीजेपी है और एमसीडी में चुनाव भी आने वाले हैं, तो पूरी की पूरी जो हमलावर है वो इस वक्त आप हो चुकी है। और आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पे हमला बोला, साफ तौर पे कहा कि दिल्ली की जनता का काम करे, ना कि दूसरों पर डाले। दिल्ली की जनता ने वोट देकर उनको एमसीडी में भेजा है। दुर्गेश पाठक का ये बयान, 5 सालों के भीतर बिना कोई कर लगाए 28,000 के बजट को बढ़ाया गया, ये एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला है। तो दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। देखिए, बहुत दिलचस्प हो जाता है एमसीडी को लेके, क्योंकि कई बार ऐसे देखा जाता है जब दिल्ली में शीला दीक्षित की भी सरकार थी तभी भी वहां पे बीजेपी का वर्चस्व रहता था। इसके बाद जब 2015 में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में इतिहास रचा, उसके बाद फिर जब एमसीडी के चुनाव हुए, उसके बाद भी जनता का आम आदमी पार्टी का जादू नहीं चला। तो उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से एमसीडी में भी आपकी एंट्री हो। पिछले कई सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब एमसीडी के ऊपर कोई भी विपत्ति आती थी, जब जब एमसीडी के ऊपर कोई समस्या आती थी, तो हर बार वो दिल्ली सरकार को दोष देते थे। चाहे वो कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो जल भराव की स्थिति हो, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे एमसीडी के अस्पताल खराब हैं उसका मुद्दा हो, चाहे एमसीडी के स्कूल खराब हैं, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं, इन सारे चीज़ों के लिए जैसे ही मुद्दा आता था तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर दोष मढ़ देती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी लीडर ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी ताकत दिखाई और उसने एक्सेप्ट किया।